हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद सना। तो आज हम बनाने वाले हैं घर पर आइस गोला, बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर वाला। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ ग्रीन कलर वाला सिरप, जो गोले के लिए यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पर इसमें डाली है 1 कप शुगर और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मेल्ट होने दिया। फिर डाला ग्रीन फूड कलर और ये जब अच्छे से थिक हो गई ना, तो इसे ठंडा करने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैं आइस को इस तरह से जार में डालूंगी और इसे ग्राइंड कर लेना है। गोला बनाने के लिए आइस डालेंगे ग्लास में और इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। जितना प्रेस करेंगे गोला अच्छे से टाइट हो जाएगा और इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। तो गोला आइसक्रीम पर डालने के लिए हमने यहाँ पर लिया है रूह अफ़ज़ा सिरप और दूसरा वाला ग्रीन सिरप। तो हमने आपको बनाने का तरीका बता ही दिया है। तो ये दो सिरप रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब गोले पर इसे डालकर खाते हैं मज़े से। पहले डालूंगी रूह अफ़ज़ा सिरप और जो आधा हिस्सा बच गया था इस पर ग्रीन सिरप डाला। तो ये देखिए गोले का लुक कितना परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा। और इसका टेस्ट भी मार्केट जैसे गोले से भी कई ज़्यादा अच्छा था। तो आप भी इस वाले टेस्टी गोले को घर पर बनाकर एंजॉय करो। तो गोला मेल्ट हो रहा था, मैंने इसे ग्लास में डिप करके खाया तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो आप भी इसे बनाओ और एंजॉय करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।